मैंने जैसे बताया था आपको कि जब मैं आपको लॉजिकल या एब्सोल्यूट या ये सब एड्रेसेस कहूं तो आप बिल्कुल घबराइएगा मत। क्यों? क्योंकि लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस बहुत ही आसान होते हैं। सीपीयू है आपका यहां पर, सीपीयू जो जनरेट कर रहा है एड्रेस, सीपीयू भी जनरेट कर रहा है एड्रेस, उसको तो कुछ पता ही नहीं अभी। वो कोई भी एड्रेस जनरेट कर रहा है, जो एड्रेस कर रहा है वो लॉजिकल एड्रेस हो गया। अब मेमोरी यूनिट, ये एक्चुअल फिजिकल एड्रेसेस हैं, ये मेमोरी जैसे आपकी जैसे 16 GB है या कुछ ऐसे मान लीजिए कोई ऐसी जीबी है, तो 2 की घाट 16 GB इतनी एड्रेसिंग आपकी हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इतनी एड्रेसिंग हो सकती है। तो फिजिकल एड्रेस वो एड्रेस है जो मेमोरी देखता है, जो लोड होता है आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, MAR के बारे में बात करेंगे अभी। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर या जो मेमोरी देखता है वो फिजिकल एड्रेस होता है, जो सीपीयू जनरेट करता है वो लॉजिकल एड्रेस होता है। ये दोनों क्लियर हो गया आपको? अब कंपाइल टाइम और लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग, ये जो दोनों तरीके देखे, ये कंपाइल टाइम और लोड टाइम दोनों ही, क्योंकि अभी तक हम एग्जीक्यूशन में नहीं आए हैं, जब कंपाइल टाइम लोड टाइम बाइंडिंग होती है ये दोनों मेथड, ये एक जैसे लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस जनरेट करते हैं, क्योंकि अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, कंपाइल और लोड ही हुआ है। ये एक जैसे आपके क्या जनरेट करते हैं, क्या करते हैं, आपके लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस जनरेट करते हैं। अब आइए आप एग्जीक्यूशन टाइम पे, जो एग्जीक्यूशन टाइम में जो एड्रेस बाइंडिंग स्कीम है वो अलग अलग एड्रेसेस जनरेट करती है, यानी कि लॉजिकल और फिजिकल दोनों अलग होंगे। आप समझ गए? कंपाइल लोड एक जैसा, एग्जीक्यूशन अलग करता है। तो जो लॉजिकल या वर्चुअल एड्रेस स्पेस है, ये सारे, दिस इज द सेट ऑफ ऑल लॉजिकल एड्रेसेस जनरेटेड बाय अ प्रोग्राम। प्रोग्राम जो भी एड्रेस जनरेट करता है उसको हम कहते हैं, इसकी इसकी सोच है, वर्चुअल एड्रेस स्पेस है ये तो। और जो फिजिकल एड्रेस स्पेस है वो सारे वो एड्रेसेस हैं जो इन लॉजिकल एड्रेस के को लिए जाएंगे और इसको फिजिकल एड्रेस में तब्दील किए जाएंगे। तो कौन काम करेगा ये तब्दीली का काम करोगे? ये तो बस मन में आया और निकल आया है ना, ऐसे समझिए इसको। फिजिकल एड्रेस तो एक्चुअल एड्रेस है, जो मन में आया निकल आया उसको मैं फिजिकल एड्रेस में मैप करने के लिए MMU होता है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। जो हार्डवेयर डिवाइस है जो ये रन टाइम की मैपिंग करता है वर्चुअल और फिजिकल एड्रेसेस की, उसे हम कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, MMU। तो MMU क्या है? जैसे मैंने बताया, ये हार्डवेयर डिवाइस है जो आपके वर्चुअल और फिजिकल एड्रेस को मैप करेगा। जो MMU स्कीम है, जो वैल्यू है बेस रजिस्टर की, जिसे हम रिलोकेटेबल रजिस्टर भी कह रहे हैं, इसको हम जोड़ेंगे जो भी एड्रेस जनरेट हुआ है यूजर प्रोग्राम के, जब यूजर प्रोग्राम जो भी एड्रेस जनरेट कर रहा है उसके साथ हम ये रिलोकेटेबल एड्रेस या बेस रजिस्टर जोड़ेंगे, तब वो मेमोरी में जाएगा। यानी कि असली लाइन, एक क्रक्स लाइन इसमें ये है, जो भी एड्रेस आएगा उसमें बेस जोड़िए, मेमोरी में भेज दीजिए। अभी तक ये समझ में आ गया? यूजर प्रोग्राम हमेशा लॉजिकल एड्रेस से डील कर रहा है, इसका नेम से कोई लेना देना नहीं है, ये हमेशा लॉजिकल एड्रेस करेगा। उसको रियल फिजिकल एड्रेस पता ही नहीं है, आपके फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम को रियल एड्रेस पता ही नहीं है, उसको केवल लॉजिकल एड्रेस पता है जो सीपीयू ने जनरेट किया, आपके प्रोग्राम ने जनरेट किया। ओके, अब डायनेमिक रिलोकेशन यूजिंग अ रिलोकेशन रजिस्टर, ध्यान से देखिएगा। सीपीयू ने जनरेट किया 346, रिलोकेशन रजिस्टर है 14,000, ये इन्होंने अपने मन से निकाल दिया, कोई भी नंबर आया इन्होंने कर दिया। वैसे मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है अपने मन से, ये आपको केवल समझाने के लिए, इसका प्रॉपर इसकी भी एड्रेसिंग है, ये एड्रेसेस भी प्रॉपर देता है अपने हिसाब से, प्रॉपर एड्रेसिंग है। लेकिन बस ये लॉजिकल और ये वर्चुअल शब्द को मैं आपको दिमाग में डाल रहा हूँ कि ये कुछ भी हो सकता है, इसका कोई हमारे एक्चुअल मेमोरी से मतलब नहीं है। ये एक्चुअल मेमोरी से कैसे मतलब होगा? जब इसमें मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट इसके साथ रिलोकेशन रजिस्टर या बेस रजिस्टर इसके साथ जुड़ेगा। अब ये 14,000 के साथ जब 346 जुड़ गया ना, तो ये 14,346 अब ये मेमोरी की एक लोकेशन बन गई। आप समझ गए? ये है मेमोरी की लोकेशन।